वेलकम बैक दोस्तों एक और वीडियो में। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री में आप लोगों की लाइफ किस तरह की होती है, कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप लोग अपनी कंट्रीज़ में होते हैं तो आप लोगों की होती हैं बाहर की लाइफ के बारे में, और रियलिटी में जब आप लोग किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन से ऐसे हार्श ट्रुथ हैं जो आप लोगों को जानने को मिलते हैं और किस तरह की ज़िंदगी आप लोगों को गुजारनी पड़ती है। तो हाईली रिकमेंडेबल है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों की जो है ना एक परसेप्शन बाहर के बारे में वो अगर चेंज नहीं होगी तो उसको एक झटका ज़रूर लगेगा और आपको रियलिटी चेक मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप लोगों को सिर्फ सच बताया जाता है और वो बातें बताई जाती हैं जो कि दूसरे लोग आपको बताने से कतराते हैं या बताते नहीं। आज उसी वीडियो के साथ कनेक्टेड एक वीडियो है, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जब आप लोग बाहर की किसी कंट्री में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जब भी आप लोग अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं या उन लोगों के पास आप लोग काम करते हैं जो आपकी अपनी कंट्री से हैं या आपकी सेम ज़ुबान बोलते हैं, तो वो लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं या बुरा ट्रीट करते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, आप लोग फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं या फिनलैंड जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम जल्द अज़ जल्द अपनी कम्यूनिटीज़ के लोगों से मिलें, हम जल्द अज़ जल्द अपने लोगों से बात करें, उनको अपने मसाइल के बारे में बताएं या उनसे इस कंट्री की लाइफ के बारे में पूछें। तो हम में से बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने लोगों से मिलें, और जब भी हम लोग अपने लोगों से मिलते हैं किसी भी कंट्री में तो मिलके अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो लोग उस कंट्री के बारे में या बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं जो कि हमें उस कंट्री से जब हम लोग दूर होते हैं नहीं पता होता। और मैं ये हाईली रिकमेंड भी करता हूँ कि जब भी आप लोग किसी नई कंट्री में जाएँ तो अपने लोगों से ज़रूर मिलें, क्योंकि जो अंदर की बातें होती हैं वो सिर्फ़ अपनी कंट्री के लोग ही बताते हैं, या दूसरी कंट्री के लोग जिनको पता भी हो वो ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने से कतराते हैं। क्योंकि जिस तरह हम लोग अपने लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और दूसरे लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हम लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते और वो अपनी कम्युनिटी के लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ज़्यादातर बातें अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों को बताते हैं। तो हाईली रिकमेंडेबल है कि जब भी आप लोग किसी नई कंट्री में जाएँ तो वहाँ पर अपने लोगों के साथ ज़रूर मिलें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद जो मेन बात है साथियों, कि जब भी हम लोग किसी नई कंट्री में जाते हैं तो आपको पता है कि हम अगर स्पेशली तौर पे यूरोप में आए तो यूरोप की हमें किसी भी कंट्री की ज़बान नहीं आती होती। शेंजन कंट्रीज़ में जब भी हम लोग आते हैं साथियों, तो सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का होता है, और इस लैंग्वेज के मसले को कोप करने के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि किसी देसी बंदे के पास काम मिले और उसका हम लोग काम करें और उस काम के बदले में वो हमें पैसे दें। यूके और आयरलैंड को निकाल के बाकी जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की हर कंट्री की अपनी ज़बान होती है जो कि सीखनी पड़ती है वहाँ की लोकल मार्केट में काम करने के लिए। जब भी हम किसी नई कंट्री में आते हैं तो हमको उस कंट्री की ज़बान नहीं आती होती और हमें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए काम करना पड़ता है। तो उस काम को ढूंढने के लिए सबसे पहली जो हमारी ख्वाहिश होती है या सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि हम किसी देसी के पास जाएँ और उसको बोलें कि भाई मेरे को काम पे रख ले, मैं तेरा काम करूंगा और तू मेरे को पैसे दे देना। यहाँ तक तो साथियों होगी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन जो इन कंट्रीज़ में रहने वाले देसी होते हैं, मैं तमाम देसियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कंट्री या अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ करते हैं। अगर आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है तो अगर आपका कोई बंदा फ्रांस में या स्पेन में गया है तो उससे सिर्फ एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि वहाँ पर जो बिज़नेसमैन हैं उन लोगों का आपके साथ किस तरह का बर्ताव है, वो आपको अंदर की बातें बताएंगे और आप लोगों को बताएंगे उनके साथ किस किस तरह के ये लोग जुल्म करते हैं। मैं साथियों एक या दो महीने तक रहा फ्रांस और मैंने जो वहाँ पे हालात देखे, उन हालात को देख के बंदे का कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। जो बंदे भी डंकी लगा के या इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके यूरोप में पहुँचते हैं तो उन बेचारों के पास ना तो पेपर होते हैं और ना उनके पास कोई दूसरी स्किल होती है, और उनके पास सबसे पहला काम होता है कि देसियों के साथ काम करें। वो देसी उनको सुबह 8 बजे काम पे ले जाते हैं और शाम को 8 बजे तक काम करवाते हैं और कसम से 25 या 30 यूरो उनको दिहाड़ी देते हैं, और उस दिहाड़ी के पैसे भी फ्रांस में कई बंदे ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने तक नहीं मिलते और वो भी तरले करके फिर उन बंदों से पैसे लेते हैं। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदा 8 घंटे काम करने के बाद 25 या 30 यूरो वो भी 6 महीने बाद ले रहा है, तो कम्युनिटी के लोगों का
उनके साथ बर्ताव किस तरह का है। और साथ ही वो बिजनेसमैन इस जुल्म की जस्टिफिकेशन इस तरह देते हैं कि वो कहते हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं इनको एक तो पहली बात है कि इन लोगों को जुबान नहीं आती, दूसरा उनके वो कहते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तीसरा वो कहते हैं कि इन लोगों को काम नहीं आता होता। तो वो कहते हैं कि इन कामों के बावजूद भी हम लोग इन लोगों को काम देते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा एहसान समझे कि हम लोग इन लोगों को काम देते हैं। तो भाई ठीक है, उनको ज़बान भी नहीं आती, उनके पास पेपर भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता, तो 25 यूरो आजकल के दौर में यूरोप में जिसमें यहाँ पे 12 या 15 यूरो की एक सिगरेट की का पैकेट आता है, तो 25 यूरो देना कहाँ की जस्टिफिकेशन है। जब आप लोग भी आए थे तो आप लोगों के साथ भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई थी। मेरे को ये समझ नहीं आती कि अगर एक बंदे के साथ ज़्यादती हुई है तो मैं जब किसी मुकाम पर पहुँच जाता हूँ तो मैं वो ज़्यादती दूसरे किसी बंदे के साथ कैसे कर सकता हूँ। इस चीज़ की मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि एक बंदा जो ख़ुद उस फेज से निकल के आया है और उसको पता है कि कितना दुख होता है या कितनी बददुआएं निकलती हैं दूसरे बंदे के लिए, जब वो बंदा उसी स्टेज पे पहुंचता है तो वो बंदा फिरौन बन जाता है। और ये बात साथियों ज़्यादातर उन देशों के लिए है जो यहाँ पर आके उस तरह के काम करते हैं। कहीं कहीं लोग अच्छे भी होते हैं साथियों, ये नहीं कि सारे देशी इस तरह के करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि जब भी उनके पास कोई बिज़नेस आ जाता है या उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो वो उन तमाम लोगों के लिए फिरौन बन जाते हैं जो कि नए आए होते हैं उनके उस कंट्री में, और उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो वो काफ़ी अरसे तक उन बेचारों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते रहते हैं और उनको यूज़ करते रहते हैं। और जब भी उनको पता चलता है कि ये बंदा पिछले कई सालों से जो है मेरी ले रहा था तो वो उसको छोड़ के जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे बड़ा अब बेफैज़ बंदा कोई नहीं है, ये जब यहाँ पे आया था इसके पास कुछ नहीं था तो मैंने इसको सब कुछ दिया और अब इसको जब पता चल गया है तो ये मेरे को गालियाँ निकालता है। जो बंदे भी आप लोगों को गालियाँ निकालते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं और आप लोगों का इलाज है, और अगले जहान जो आप लोगों के साथ होगा वो खुदा भी देखेगा, हम भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे। तो साथियों मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जिस कंट्री में भी जाएंगे, जिस कंट्री में भी जाएंगे और जब भी आप किसी देसी पाकिस्तानी या इंडियन की कोई भी दुकान देखेंगे या कोई भी उसका बिजनेस देखेंगे तो उस पर देखेंगे तो आप लोग 80-90% वो लोग होंगे जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। यहाँ पे फिनलैंड में भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जिनके बड़े बड़े सबवे हैं, लेकिन अगर वर्कर्स की बात की जाए तो उनके पास वही देसी वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी फॉरनर के पास कोई भी देसी वर्कर देखें तो ये मत समझे जा कि ये बंदा बड़ा खुदा तरस है, तो इसका मतलब ये होता है साथियों कि वो बंदा उन बेचारों के साथ बड़े जुल्म कर रहा है। अगर वो उनको काम दे रहा है तो उनके काम की जगह वो पता नहीं खुद कितने ज़्यादा फ़ायदे ले रहा है। अगर किसी बंदे के पास अगर कोई वहाँ का लोकल काम कर रहा है तो साथियों लोकल को पता होता है कि यहाँ के रूल क्या हैं, यहाँ का कानून क्या है, और यहाँ के कानून के मुताबिक इस बंदे को मेरे को कितने पैसे देने चाहिए। अगर ये किसी लोकल के 10 मिनट के भी पैसे ना दें तो वो इनको अगले महीने तान लेते हैं कि हाँ भाई मैंने इतने घंटे काम किया, इतने मिनट काम किया, तूने मेरे को इतने घंटों के पैसे दिए, बाकी 10 मिनट के भी पैसे निकाल। तो ये इन चीज़ों से डर के इन लोगों की मजबूरी होती है कि ये देसियों को काम पे रख लेते हैं। और अगर कोई भी बंदा देसी आपको काम देता है तो ये मत समझिएगा कि वो आप पे खुदा तरसी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट है उन लोगों। और जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं अगर आपको वहाँ पे किसी गोरे के पास काम नहीं मिलता तो उसके बाद आप किसी देसी की तरफ जाइएगा, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखिएगा कि किसी वहाँ के लोकल के पास काम करें। और दूसरी कंट्री का भी अगर कोई बंदा होगा तो वो भी आपके साथ कोई ना कोई फिशी काम ज़रूर करेगा। ये नहीं कहता मैं कि 100% गोरे ठीक होते हैं, लेकिन 99% गोरे ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ ज़्यादती नहीं करते, और जो हकूक वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह के हकूक वो आप लोगों को भी देते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी आपने किसी नई कंट्री में जाना है तो आपकी पहली ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि वहाँ के किसी लोकल के पास काम करें ताकि आप लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती और आपका यूज़ ना हो। अगर आप लोगों को काम नहीं मिलता तो उसके बाद आप लोगों के पास जारी सी बात है चॉइस कोई नहीं होती, तो तब आप किसी कम्युनिटी के बंदे के पास जाके काम किएगा। तो ख्याल रखिएगा साथियों, अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।